यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग टीम के हाथ जहां बड़ी कामयाबी लगी तो वहीं पर रेकी ग्रुप के खिलाफ आवाज उठाने वाली एंटी करप्शन के चेयरमैन ने आरोप लगाए कि रेकी ग्रुप के पीछे कहीं ना कहीं संबंधित विभाग के अधिकारियों का ही हाथ बताया जा रहा है। बता दें, टीम ने 4 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो ओवरलोड पर लगाम कसने वाले अधिकारियों की रेकी किया करते थे। इन लोगों ने जय महादेव के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था और उसमें ट्रांसपोर्टर्स को अधिकारी की जानकारी देते थे। इन लोगों में एक सीए भी शामिल है। फिलहाल जगाधरी सिटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिएगा, जिस तरह से सीएम फ्लाइंग ने रेकी ग्रुप्स पर बड़ी कार्रवाई की है और इससे एक क्षेत्र के अंदर एक उम्मीद जगी है कि जो रेकी ग्रुप्स थे जिनकी रेकी करने से ओवरलोड और अवैध खनन का कार्य चल रहा था, अब कहीं ना कहीं अवैध खनन और ओवरलोड पर अंकुश लगता जनता को नजर आ रहा है। जनता रात की सांस लेगी, लेकिन बड़ा सवाल है कि जिन अधिकारियों की रेकी होती थी आज तक उन्होंने कोई शिकायत किसी थाने में या किसी आला अधिकारी को लिखित रूप में क्यों नहीं दी। तो यह जो अधिकारी हैं जो निम्न स्तर पर जांच करते हैं उनकी रेकी होती थी, उन्हें मालूम था कि व्हाट्सएप ग्रुपों में उनकी रेकी की जाती है, परंतु उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की गई। ये अपने आप में एक सवालिया निशान उन अधिकारियों पर भी है क्योंकि उनको मालूम था कि यह रेकी होती है, लेकिन सीएम फ्लाइंग यमुना नगर में आती है और वो कार्रवाई कर देती है और रेकी ग्रुप धरे जाते हैं। तो जो लोकल प्रशासन था वो कहाँ था? पिछले इतने लंबे समय से रेकी ग्रुप के माध्यम से ओवरलोड और अवैध खनन का कार्य चल रहा था और अब तो ये रेकी ग्रुप नशे के कारोबार में भी अपना हाथ आजमाने लगे हैं। देखिएगा, अगर निष्पक्ष जांच हुई तो ये जांच रेकी ग्रुप्स की बड़े आला अधिकारियों और कई नकाबपोशों को धर देगी, लेकिन जांच निम्न स्तर पर रुक जाएगी। इससे पहले भी हमने हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी के बैनर तले हमने एक मुकदमा रेकी ग्रुप्स का दर्ज कराया था, उसमें बड़े लेवल की जांच माननीय पुलिस अधीक्षक द्वारा नियुक्त की गई थी। 4 इंस्पेक्टर और 1 डीएसपी था, परंतु उसके बावजूद भी मोबाइल लैब टेस्टिंग से वापस आने से पहले चालान प्रोड्यूस कर दिया गया क्योंकि आरोपियों को बचाने का कार्य किया गया और जो व्हीकल थ्रेट में इस्तेमाल किया गया था उसको कबाड़ी के पास बेच दिया गया था, वो भी वहां से 112 द्वारा रिकवर किया गया। तो यह जांच आपको पता लग ही गया होगा कि किस तरह से की जाती है। यहां जो है जाँच के नाम पर लिपापोती होती है और आप के माध्यम से मैं हरियाणा सरकार से, माननीय गृह मंत्री से मांग करता हूं कि इस पूरे प्रकरण की अगर सीबीआई जांच कराई जाए तो यह हरियाणा का सबसे बड़ा घोटाला होगा और हरियाणा सरकार ने जिस तरह से भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया है उसी तरह से इस ओवरलोड और अवैध खनन पर एक कड़ा प्रहार कर दे तो इससे राष्ट्र की संपत्ति, सड़कों का जो नुकसान हो रहा है वो बचेगा, जनता जो चुटिल्ला हो रही है वो बचेगी, राष्ट्र संपत्ति जो राजस्व है, जो खनिज है, जो उसका नुकसान हो रहा है वो बचेगा और कहीं ना कहीं अवैध खनन और ओवरलोड पर भी रोक लगेगी। तो यह जांच अगर निष्पक्ष हुई तो बड़े आला अधिकारी और बड़े नकाबपोश धरे जाएंगे। हमने जो अपना सीएम फ्लाइंग ने आज अपना रेड की है, इनमें 4 लड़के हैं, एक तो सागर है, एक आजाद है, ये लक्कड़ के हैं, और एक आशीष है, सरसावा यूपी से है, एक रवि भाटिया है यमुनानगर से। इनको अपना काबू किया है। ये क्या करते हैं लोग, रेकी करते हैं आरटीओ दफ्तर की और गाड़ियों को पास कराते हैं। मोबाइल नेटवर्क है, हमने मोबाइल कब्जे में ले लिए, जिनको आगे अपना डिटेल लेंगे, बाकी फिर उसके बारे में बता पाएंगे। सर, क्या कोई ग्रुप चलाया जा रहा था जिससे इस तरीके की सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा? बिल्कुल जी, प्रथम दृष्टि से तो यही पाया जाता है, ग्रुप चलाया जाता है। हाँ बिल्कुल, एक अकाउंटेंट है जो इसको, इनको सभी को अपना आगे अपना सूचनाएं वगैरह अपना दे रहा है। ये रवाना को लेके ही रेकी होती है, गाड़ियों को अपना जहाँ से आरटीओ दफ्तर के कर्मचारी खड़े हैं चेकिंग के लिए उनको दूसरे रास्तों में डाइवर्ट करना। तो सर कितने लोग हैं सर अभी इसमें? अपना अभी तो 4 लोग ही अपना गिरफ्तार हुए हैं, बाकी अपना इनसे पूछताछ की जाएगी और भी जितने डॉक्यूमेंट्स भी अपना लेंगे कब्जे में, कुछ तो हमारे पास आ गया डिटेल। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।